I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Hey guys, welcome back to the channel. So kya hal chal aapke? I hope sabhi bahut badhiya honge, main bhi bahut badhiya. To bhai, hamara dream trip, यानी जो हमारा कैंपिंग का ट्रिप था, आज से वो स्टार्ट हो रहा है. सो इस सीरीज़ में आपको मनाली और मनाली से आगे का सब कुछ दिखेगा. वहाँ पे जाके हम लोग कैंपिंग करेंगे. फिलहाल हम लोग घर से निकल रहे हैं एंड पैकिंग सब हो गई है. सो ये ऑलमोस्ट डन है. दो जनों का सामान है, हम लोग दो जने जा रहे हैं, सचिन एंड मैं. सो हम निकल चुके हैं अपने घर से और भाई लेते हैं सबसे पहले भगवान का नाम. बोल जयकारा, शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय. तो करते हैं अपनी यात्रा का शुभारंभ और रास्ते में मिलते हैं आप लोगों से. बहुत ही बढ़िया, मतलब अच्छा सा लग रहा है यार. वाइब आ रही है, बहुत अच्छी सी, बहुत अच्छी सी वाइब आ रही है. यस यस, पावर कैब. रोड देखो भाई, अभी बिल्कुल खाली. टाइम हो रहा है रात के 12:30 बज रहे हैं और बिल्कुल खाली. अब रास्ते में हमें रास्ते में कोई मिलेगा भी नहीं यार. बिल्कुल आराम से पहुंचेंगे. और हमने, हमारा प्लान यही है कि अराउंड 10 बजे तक हम लोग अटल टनल क्रॉस कर लें. सो भाई हम लोगों ने क्रॉस कर लिया मुरथल, और मुरथल क्रॉस करके टोल पे आ गए. मतलब मुरथल का टोल जो है वो क्रॉस हो गया. सो अब यहाँ से हाईवे ढंग का स्टार्ट है, जिसपे ट्रैफिक कम है. लोकल ट्रैफिक बिल्कुल ख़त्म हो जाता, जो थोड़ी बहुत गाड़ियाँ होती हैं वो भी कम हो जाती हैं. तो अब यहाँ से टॉप ऑन टॉप, मतलब अच्छे वाले रोड आ गए हैं और ज़बरदस्त भगाएंगे. रोड की कंडीशन ये है फिलहाल. रोड पे ट्रक्स वगैरह हैं, कोई नहीं चलता, इतना तो ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा. सो पहुँचते हैं. टाइम हो गया 1:47, आधा पौना घंटा दिल्ली में ही वो हो गया था हमारा. अब आएगा इसके बाद पानीपत टोल. ये करनाल वाला टोल है यार, और इस पे हम लोग करीब 25 से खड़े हैं. और इन लोगों ने भाई कोई मतलब नहीं है इन लोगों को कि भाई के वो चेंज करना है या नहीं करना है, मतलब जैसे लेन के लिए रुकते हैं. भाई हम लोग मनाली वाले वो सिंगल जो रास्ता आता है बीच में, उस रास्ते पे पहुंच गए हैं. और यहाँ पे एक चेक पोस्ट था, उस पर पुलिस वालों ने रोका और गाड़ी इस तरीके से चेक करी जैसे स्कैन कर दियो, मतलब ज़बरदस्ती. आपका पर्स भी खोल के देख रहे हैं और मतलब सब कुछ उसमें खोल के देखा उसने बिना बात की. दो बंदे उतर के खड़े हो गए, कहते कुछ नशा पट्टी तो नहीं है. अब नशा पट्टी किस चीज़ का क्या होगा, हद करते हैं यार, मतलब ज़बरदस्ती की. मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट इस तरीके की चेकिंग मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है. आपकी अपने यहाँ की लोकेलिटी में क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए. आप बाहर वालों को चेक कर रहे हो मगर अपने वालों को आप खुद नहीं देख रहे कि आप लोग क्या कर रहे हो, वो चीज़ गलत है. खैर जो भी है, इनका अपना रूटीन था, काम था इनका, तो वो लोग अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है. सो निकलते हैं यहाँ से. मनाली रहता है यहाँ से 277 किलोमीटर्स, एंड देखते हैं 10 बजे का बता रहा है कि 10 बजे पहुँच जाएंगे. देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें. और बाहर का वेदर कुछ ऐसा है, तो भाई टाइम हो गया 5:36 और सूरज देवता भी निकलने वाले हैं, जस्ट सूर्य उदय होने वाला है. और हम लोग पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट मनाली के पास. 5 घंटे और 13 मिनट का रास्ता दिखा रहा है ये.
यानी 10:49 पे हम लोग पहुंच जाएंगे 248 किलोमीटर यहाँ से। अभी और बाकी रहता है मनाली। हम लोग रात को 12:05 पे घर से निकले थे, यानी दिल्ली से निकले थे, और उसके बाद हमने फ्यूल फिलअप कराया, ये सब कुछ कराया, एंड देन मतलब थोड़ा ट्रैफिक भी था तो वो सब कुछ क्रॉस करते कराते हम लोग हाईवे पे आ गए थे। अराउंड 2 हम पानीपत पहुंच गए थे। तो 2 से 3 तक जो रास्ता कवर किया है बहुत अच्छा कवर किया है, रोड्स बहुत ही शानदार बन गए हैं। कहीं कहीं अभी भी यहाँ पे डाइवर्जेंस हैं, अभी रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है, थोड़ा टाइम लगेगा और भी कंप्लीट होने में, और फिलहाल रोड के हाल ये हैं। बहुत ही अच्छा रोड है और बीच में इसमें और डाइवर्जन आ रहे हैं, तो देखते हैं कितनी बजे तक हम लोग मनाली पहुँचते हैं। भाई दिल्ली एरिया स्टार्ट हो गया और ये कर लिया हमने एंट्री। चेक पोस्ट था, मतलब टोल टैक्स था, उसको क्रॉस करके अब हम हिली ड्राइव पे आ गए हैं और 4:06 की हिली ड्राइव दिखा रहा है 186 किलोमीटर। और ये वो मनाली वाला हाईवे है जो कीरतपुर मनाली हाईवे नया बना है, यहाँ से हिली ड्राइव स्टार्ट होती है। तो चलते हैं इस पे, अब पूरा दिखाता हूँ आपको ये रोड है कैसी और कहाँ कहाँ इसमें कंजेशन मिलेगा, कहाँ कहाँ इसमें जैम मिलता है या कहाँ कहाँ ये डाइवर्ट है या टूटी हुई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी ब्लॉग में और इसी वीडियो में मिलेगी। तो बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। ये ऊपर जो आप देख रहे थे ये टनल नंबर 1 और इसके आगे टनल नंबर 2, तो इन दोनों टनल्स में अभी शायद काम चल रहा है, इस चक्कर में इन्हें बंद कर देते हैं और हमें मतलब जो भी ट्रैफिक होता है उसे सिंगल वाले रोड पे डाइवर्ट कर देते हैं। सो इस पे फिर 15-20 किलोमीटर चलेंगे जैसे पहले चले थे और फिर जाके उसी हाईवे में जुड़ेंगे। सो देख लो, यही हाल है यहाँ पे। मंडी 100 होगा यहाँ से, वो मंडी 30-35 और मनाली 100। सो मंडी से मनाली 100 है और यहाँ से करीब 35 किलोमीटर मंडी है, तो करीब 135 किलोमीटर यहाँ से बचता है। अभी एक नारियल पानी पीते हैं सुबह सुबह और फिर निकलते हैं। यार सचिन वॉशरूम गया, मेरे को भी जाना था बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं वहीं पे ही जाऊँ, अभी मैं होल्ड कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी है अभी। सो नज़ारा कुछ ऐसा है, इसी पेट्रोल पंप से लास्ट टाइम हमने पेट्रोल फिल कराया था और ये नदी बह रही है भाई। ये रिवर कौन सी है, नदी कौन सी है, भैया को भी नहीं पता है नदी कौन सी है, बट इसके भाई आसपास बहुत ठंडी हवा है, मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे खड़ा होने में भी। से पूछता हूँ आके लेगा या नहीं लेगा।
हो गया, कर लिया, धर लिया और खा लिया, अब चलो। तो निकलते हैं भाई यहाँ से। अगर आप मनाली आ रहे हैं तो आपको लेफ्ट बैंक से आना पड़ेगा, जो दूसरा रास्ता है, क्योंकि राइट बैंक सारा टूटा पड़ा है, उस पर सारी कंस्ट्रक्शन का अभी काम चल रहा है। वॉल्वो के लिए भी रास्ता यही है, क्योंकि उधर वाला जो रोड है वो फ्लड के चक्कर में सारा का सारा बह गया था, तो इस चक्कर में उसे बंद किया हुआ है। तो लेफ्ट बैंक से आना जब भी आप मनाली आओ, कुल्लू से थोड़ा सा आगे से लेफ्ट बैंक ओपन हो जाता है, मतलब आपके राइट साइड में पड़ेगा, और उस रास्ते से आप आते हुए मनाली अंदर आ सकते हो, और ब्रिज के क्रॉस करके आप सीधा वो रास्ता रोहतांग टनल की तरफ को चला जाएगा। सो बेस्ट ऑप्शन वही है अभी फिलहाल के लिए, तो वहीं से आना। सो भाई टाइम हो गया 12:19 और हमने मनाली क्रॉस कर लिया। सो अब हम जा रहे हैं रोहतांग टनल की तरफ, यानी अटल टनल की तरफ, और उधर की साइड क्रॉस करके जिस्पा साइड जाएंगे और वहां पे अपना कैंप सेटअप करेंगे, कैंप पिच करेंगे। सो ऑलमोस्ट हमें 12 घंटे लग गए भाई दिल्ली से यहाँ आने में। सेम इसी टाइम रात के हम निकले थे दिल्ली से, और हम कहीं पे रुके भी नहीं, बट गाड़ी थोड़ा स्लो करके और थोड़ा ट्रैफिक जाम इस उसमें ही, मतलब 12 घंटे हमें लग गए। सो अब चलते हैं, हम निकलते हैं। और भाई ये भेड़ों के बीच में फंस गए, कितनी सारी भीड़ है और धूल ही धूल इन्होंने उठा के रख रखी है। इन्होंने जैम लगा दिया भाई आज पूरे रोड पे। अटल टनल भाई क्रॉस करके हम लोग जिस्पा की साइड आ गए हैं, और ये जिस्पा की साइड भाई इन्होंने मतलब आतंक मचा रखा है। और मेरे लेफ्ट साइड में जो है ये चंद्र वाली रिवर है, तो भाई यहाँ से रह गया जिस्पा 20 किलोमीटर, और हमने बहुत सारे लोगों से कंफर्म किया कि कोई कैंपिंग साइट है जहाँ पे अपना पर्सनल टेंट जो हम लोग लेके आए हैं वो पिच कर सकें। तो सभी लोग यहाँ पे इसी मूड में हैं कि ये लोग हमारे टेंट में ठहरें और अपना टेंट वगैरह ऐसा ना लगाएं, तो मतलब बेसिकली पैसा बनाने के मूड में है। तो भाई अब फाइनल हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम जिस्पा जाएँ, और जिस पर जाके वहाँ पे टेंट लगाने का कुछ सोचें, कुछ प्लान करें या कुछ ऑप्शन सर्च करें। तो पहुँचते हैं जिस्पा। सो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और जिस्पा का जो व्लॉग होगा, जो कैंपिंग का व्लॉग होगा, वो नेक्स्ट व्लॉग होगा। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना, सारी नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, तो वो सारी कैंपिंग के वीडियोस आपके पास आ जाएंगी। सो इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कैंपिंग वाले में। टिल देन ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।